नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक कम जरूर हो गई है, मामले भी काफी कम हो गए, लेकिन इन दिनों यूपी के कई जिलों में डेंगू और वायरल फीवर का कहर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका फिरोजाबाद इस बुखार की चपेट में सबसे ज्यादा है। फिरोजाबाद जिला प्रशासन की ओर से औपचारिक डेटा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार हरकत में है और तमाम एजेंसियों को मिशन मोड पर फिरोजाबाद समेत आसपास के जिलों में हालात पर काबू पाने के लिए भेजा गया है। जांच के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि दरअसल ये रहस्यमय बुखार कुछ और नहीं बल्कि डेंगू ही है। अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं। बुखार के प्रकोप का आलम यह है कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां हर घर में बच्चे बुखार की चपेट में ना हो। ये रिपोर्ट देखिए पहले आपके कहां कहां कैसे स्थिति है, फिर हम आपको सभी चीजें बताएंगे कि कहां के हालात कैसे हैं। भारत में कोरोना के साथ साथ डेंगू भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है। रोजाना सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। देश के कई राज्यों में डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हर दिन अस्पतालों में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। साथ ही सैकड़ों मरीजों की मौत हो गई है। राज्यों में कोरोना संकट के बीच डेंगू मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभागों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात पर कैसे काबू पाया जाए। हालांकि राज्य सरकार फिलहाल हालात नियंत्रण में होने की बात कह रही है। डेंगू का सबसे ज्यादा कहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यूपी में डेंगू और वायरल बुखार से अब तक 100 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर डेंगू से अभी तक करीब 75 लोगों ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना डेंगू बुखार। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार तेजी से लोगों को शिकार बना रहा है। प्रदेश में डेंगू के कारण 100 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। हालात बिगड़ने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केवल फिरोजाबाद में अब तक 75 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं मथुरा में 17 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि कानपुर में एक हफ्ते के भीतर 10 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो संदिग्ध बुखार कहर बनकर टूट रहा है। गोंडा में प्रतिदिन 3000 से ज्यादा मरीज संदिग्ध बुखार से पीड़ित अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। गोरखपुर, बलिया, जौनपुर, मैनपुरी समेत अन्य जिलों में भी डेंगू की वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है। अस्पतालों में इतनी संख्या में मरीज आ रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी भी इसको लेकर परेशान हैं। दिल्ली में लगातार पैर पसार रहा डेंगू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार भले ही थम गई हो, लेकिन डेंगू लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल 124 मामले सामने आए हैं। इनमें से 72 मामले अकेले अगस्त में आए हैं। दक्षिणी नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 4 सितंबर की अवधि में 2018 के बाद इस साल सबसे ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आए हैं। 2018 में 137 लोग डेंगू के शिकार हुए थे। दिल्ली दहल गई थी उस वक्त। जबकि इस साल का आंकड़ा देखें तो जनवरी से सितंबर में ही 124 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस साल डेंगू के कुल मामलों में 58% मामले केवल पिछले महीने आए हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाली बात है। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली में अभी तक डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। हैदराबाद में डेंगू का तांडव। कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू का तांडव हैदराबाद में भी देखा जा सकता है। राज्य में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। 594 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा डेंगू मच्छर सूचकांक 16 तक पहुंचा है, जो 2018 के बाद से शहर में मच्छर डेंगू सूचकांक का उत्तम स्तर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हैदराबाद के अलावा महबूब नगर, निर्मल, निजामाबाद, रागरेड्डी और पेदापल्ली में भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं।
100 घरों में से 10 घरों में डेंगू के पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू से गर्भवती महिला की मौत। मध्य प्रदेश में भी डेंगू बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। यहां डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला इंदौर है। जिले में तेजी से लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं। जिले में अभी तक 86 मरीज मिल चुके हैं, जबकि एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। प्रशासन जल्द ही मच्छरों को भगाने के लिए छिड़काव करने की तैयारी कर रहा है। गुजरात में डेंगू और चिकनगुनिया ने बढ़ाया टेंशन। वहीं गुजरात में भी डेंगू लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग डेंगू बुखार से पीड़ित है। अहमदाबाद में डेंगू और चिकनगुनिया के 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। सरकारी अस्पताल की ओपीडी और वार्ड भर चुके हैं। पंजाब और हरियाणा में भी डेंगू का डंक। पंजाब के पठानकोट में डेंगू के 31 मामलों की पुष्टि हुई है, तो वहीं गुरदासपुर में 8 मामले सामने आए हैं। पठानकोट में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिविल अस्पताल में एक डेंगू वार्ड बना दिया गया है। वहीं हरियाणा में भी डेंगू लोगों को अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हट रहा। डेंगू के लक्षण, अचानक तेज बुखार, सिर में आगे की ओर तेज दर्द, आंखों के पीछे दर्द और आंखों के हिलने से दर्द में और तेजी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, स्वाद का पता न चलना, भूख न लगना, छाती और ऊपरी अंगों पर खसरे जैसे दाने, चक्कर आना, जी घबराना, उल्टी आना। डेंगू से बचाव के लिए रोकथाम। मच्छरों को दूर रखने के लिए मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट्स, क्रीम, कॉइल और स्प्रे का इस्तेमाल करें। बाहर जाते समय लंबी बाजू की शर्ट और लंबी पैंट पहने। खिड़की और दरवाजों को सुरक्षित करें। आवश्यक हो तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। संभव हो तो एयर कंडीशनिंग घर के अंदर इस्तेमाल करें। पानी को अपने घर के पास इकट्ठा ना होने दें। कूलर, प्लांट्स, स्टोरेज और पालतू जानवरों के कटोरों में बार बार पानी बदलते रहें। बारिश के पानी में ना खेलें। किचन में खाद्य पदार्थों को ढककर रखें, बाहर का खाना ना खाएं। अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए नियमित रूप से धोएं, विशेष रूप से भोजन से पहले। छींकने या खांसने के दौरान अपना मुंह और नाक ढक लें। हर कुछ घंटों में गर्म पानी जरूर पिएं। डेंगू का इलाज और घरेलू नुस्खे। डेंगू के मरीजों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। तत्काल डॉक्टरों को दिखाकर इलाज शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे और आयुर्वेद दवाओं से भी डेंगू को काबू किया जा सकता है। आयुर्वेद में गिलोय का बहुत महत्व है। 1 कप पानी में 1 चम्मच गिलोय का रस पीना फायदेमंद रहता है। इसके अलावा पपीते के पत्ते का रस डेंगू फीवर को कम करने में मदद करता है। डॉक्टर्स भी इसकी सलाह देते हैं। डेंगू के मरीजों को खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। मरीज को सुबह शाम आधा चम्मच हल्दी पानी के साथ या रात को आधा चम्मच हल्दी का 1 गिलास दूध या पानी के साथ लें। 8 से 10 तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ मिलकर लें या तुलसी के 10 पत्तों को गिलास में पानी में उबालकर पिएं। आपको बता दें कि लगातार भारत में आयुर्वेद का महत्व बढ़ता जा रहा है और इसकी पुष्टि लगातार सरकार भी कर चुकी है। तो डेंगू से सावधान रहने की जरूरत है ताकि आगे चलकर ज्यादा खतरनाक ना हो। फिरोजाबाद के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी के चलते बच्चों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। बुखार से पीड़ित बच्चों का ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसे टेस्ट के लिए आगे भेज दिया जाता है ताकि इस महामारी की तीव्रता का आंकलन किया जा सके। ऐसे में अस्पताल के चारों ओर महिलाओं और बच्चों का जमावड़ा ही देखने को मिलता है। इस रहस्यमय बीमारी का पता लग गया है कि आखिर ये डेंगू ही है। अस्पताल का हाल ये है कि कोई रोता, कोई गिड़गिड़ाता तो कोई गुस्से में दिखाई दे रहा है। लोग अपने बच्चों को इलाज की उम्मीद से अस्पताल लेकर पहुंच रहे हैं। किसी ने सब्र रखा है तो कईयों के सब्र की सीमा टूट चुकी है। इसीलिए अनेकों तरह के मानसिक अव्यवस्थाओं में लोग अस्पतालों में अपने बीमार बच्चों को गोद में लिए यहां पर भटकते हुए भी दिखाई देने
देते हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज बच्चों के लिए इलाज के लिए बनाए गए इस विशेष विभाग के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता भी मानती हैं कि समस्या काफी गंभीर है, लेकिन अस्पताल अपनी ओर से कोई कमी नहीं दे रहा है। वो बताती हैं कि हाल ही में 25 सैंपल KGMC भेजे गए, जिसमें से 24 में डेंगू पाया गया है। वहीं डॉक्टर संगीता के मुताबिक अस्पताल की ओर से अब तक कुल 294 सैंपल भेजे जा चुके थे, जिसमें 156 में डेंगू की पुष्टि हुई है और सैंपल कलेक्शन लगातार जारी है। देखिए, लगातार आपको यूपी में इस वायरल फीवर की स्थिति को लेकर जानकारी हम दे रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आज भी हम रियलिटी चेक क्यों ना किया जाए, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान होते बिलखते लोगों की ही नजर आ रही है। ऐसे में कासगंज से लेकर एटा, मथुरा से लेकर फिरोजाबाद और मेरठ से लेकर प्रयागराज और वाराणसी से लेकर फरुखाबाद तक बच्चे और बड़े इस रहस्य में बुखार से तप रहे हैं। मरीजों के अस्पताल से मरीज जो हैं वो अस्पताल में लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बुखार का कोई तोड़ अभी तक नहीं निकल पाया है। कोई इसे वायरल फीवर बता रहा है तो कहीं डेंगू कहा जा रहा है। बुखार से दम तोड़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में महामारी ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया तो स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव चिकित्सा कर्मियों की टीम भेजनी भी शुरू कर दी है, जो टेस्टिंग भी कर रही है और दवाइयां भी दे रही है। आगरा में भी अब हालात दिन पर दिन और खराब होते जा रहे हैं। देखिए आगरा से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। शासन से अभी हमारे एक नोडल अफसर आए थे, यहाँ 4 दिन जनपद में रुके थे। हमारे 15 ब्लॉक और शहरी एरियों में जो अपनी तैयारी थी उनका उन्होंने जायजा किया, स्थलीय निरीक्षण भी किया। हमारी जितनी CSC PSC प्लस अर्बन एरिया में नगर निगम या नगर पालिका, रूरल में हमारी जितने ब्लॉक्स हैं बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे भी हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स या जो पैथोलॉजी हैं प्राइवेट या सरकारी, उससे हम लोग रिपोर्ट डेली ले रहे हैं, और जहाँ भी हमारे सस्पेक्ट केसेस या जो केसेस हैं जहाँ कंफर्म होता है उस केसेस को लेकर के अलग से स्पेशल हमारी मेडिकल की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम प्लस सफाई के लिए विशेष वहाँ कैंप लगाया जाता है। कम से कम 2 दिन वहाँ रह करके हम लोग आसपास के जितने भी हमारे इस तरह के लोग हैं जिनको फीवर है उसका इलाज किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग अगर कुछ इस तरह का सिम्टम्स होता है अर्ली अपने को आकर के उनका इलाज कराएं, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अलग से हम लोग एंटी लावा का छिड़काव व्यापक रूप में कर रहे हैं। जो संख्या है, चूंकि आगरा में मेडिकल कॉलेज है और आगरा एक मेडिकल का हब है, यहाँ आसपास के जिलों से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे खून की कमी नहीं हो इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर के अलग से कैंप भी लगाया गया है। अभी प्लेटलेट्स हमारे मेडिकल बैंक जो हमारा SN मेडिकल में यहाँ है, अलग से यहाँ कुछ NGOs हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी है अभी। अलग से किरोसिन भी मंगा लिया गया है, बिकॉज एक मेडिकल टीम को उनकी ज़रूरत थी छिड़काव करने के लिए। 400 लीटर उनको अवेलेबल करा दिया गया है। पिछले 48 घंटे में जनपद में जो केस आए हैं, एक कंफर्म केस आया है, बाकी सस्पेक्ट केसेस हैं। अलग से जो उनकी एक रैपिड एंटीजन किट होती है वह भी दिया हुआ है, ताकि वहीं पर टेस्ट कर लें और कंफर्मेटरी फिर SN मेडिकल में आता है रन करने के लिए। आगरा में फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेके प्रशासन तमाम अपने दावे कर रहा है। आज हम SN मेडिकल कॉलेज यानी सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पर हम जांचेंगे कि SN मेडिकल कॉलेज और प्रशासन द्वारा किए जा रहे वायरल फीवर से निपटने के दावों में कितनी सत्यता है। डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के जो दावे अब तक किए गए हैं उसकी रियलिटी आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के कैमरे के अंदर कैद हुई है। आज सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया के जो वार्ड बनाए गए हैं, जो वायरल फीवर के वार्ड बनाए गए हैं, उनका रियलिटी चेक किया गया है, जिसमें पाया गया कि डेंगू वार्ड के अंदर डॉक्टरों की पूरी तैनाती है। जो डॉक्टर हैं वो लगातार डेंगू और चिकनगुनिया से संबंधित मरीजों का बेहतर इलाज कर रहे हैं। SN मेडिकल कॉलेज के जो प्रोक्टर हैं, जो चीफ प्रोक्टर हैं, उनका दावा है कि अब तक करीब 9 से 10 डेंगू के मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अगर वहीं बात करें दूसरी ओर, जो बच्चों का जो वार्ड बनाया गया है उसमें तकरीबन 14 बच्चों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जिसके बाद से लगातार प्रशासन के दावे डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने के सही साबित हो रहे हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ मैं अमित शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आगरा।
तो ये हमने आपको आगरा का रियलिटी चेक दिखाया है। अगर एटा की बात कर ली जाए तो एटा में भी स्थिति और ज्यादा खराब है। कुटियालपुर बाजार में एक दुकान के नीचे 26 साल के श्री कृष्ण लेटे हैं और जिनके हाथों में ड्रिप लगी हुई है। ऐसे में दुकान की दवा की है, लेकिन दवा के अलावा जो और भी बहुत कुछ सामान है वहां पर बिकता है। ऐसे में मौके पर डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वायरल और कमजोरी से ग्रस्त वहां पर जो लोग हैं वो अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे में मरीज कहते हैं कि डॉक्टर बुखार की गोली दे देते हैं और कुछ देर असर होता है और बुखार फिर से वापस आ जाता है। वहीं मथुरा जिले की बात की जाए तो मथुरा जिले के फरहा ब्लॉक के कोहू गांव में सबसे पहले इस अज्ञात बीमारी ने दस्तक दी थी। इसकी चपेट में आकर अब तक कोहू गांव में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस वजह से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है और गाँव वासियों में प्रशासन के प्रति खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मथुरा में फिलहाल स्थिति कैसी है वायरल बुखार को लेकर देखिए मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी की रिपोर्ट। मैं इस समय मौजूद हूं मथुरा के जिला अस्पताल में, जहां पर डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें डेंगू के जो लोग भर्ती हैं, जो मरीज हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार यहां की क्या रियलिटी है, किस तरह से यहां इलाज हो रहा है। जिस तरह से मथुरा के फरे गाँव में के साथ साथ कई और जो गाँव है वहाँ पर डेंगू का कहर देखने को मिला, अभी तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, काफी बच्चे इससे प्रभावित हैं। लगभग 250 से ज्यादा लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है और उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है उसका क्या रवैया है, कैसा इलाज हो रहा है, उसको लेकर के हम यहाँ बात करते हैं इनसे कि आखिरकार किस तरह की जो है इनका देखभाल चल रही है यहाँ। कैसा भैया, क्या हुआ है आपके? डेंगू हो गया है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पर ही मथुरा। अच्छा, तो डेंगू की स्थिति कैसी है और यहाँ पे कैसा इलाज चल रहा है? सुनते नहीं है, थोड़ा हम कह के आते हैं बार बार, आते नहीं है। पर कितने दिन हो गए यहाँ पे? कल ही हुआ है, कल शाम को 6 बजे। कैसी स्थिति अभी इनकी स्वास्थ्य? अभी थोड़ा फर्क हुआ है, हाँ, थोड़ा आराम मिला है। जैसे डॉक्टर है वहाँ पे जो आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? वहाँ आ रहे हैं अभी, पर थोड़ी देर में आते हैं, पर हैंड टू हैंड नहीं आते। हाँ, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो है वो डेंगू के शिकार हुए हैं। जिस तरह से जो कि मथुरा में जो कई गाँव है वहाँ पे बच्चों पे डेंगू का ज्यादा असर देखने को मिला है, और उसके साथ जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग की जिस तरह से जानकारी आई है, लगभग 14 लोगों की मौत यहाँ पर डेंगू से हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये सब सारे लोग जो है डेंगू से प्रभावित हैं, और इनकी क्या स्थिति है इन बच्चों से पूछते हैं, कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है इनका, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भाई मेरा डेंगू हो गया ना, बहुत तबीयत खराब हो गई थी मेरी। कब से बीमार है बेटा आपको? भैया मैं 5 दिन हो गए। अब तबीयत ठीक है? हाँ थोड़ी ठीक है, अभी बढ़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो इलाज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सही हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का इलाज है उनका। यहाँ पे एक ये युवती हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में? जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हम बहुत बेहतर डेंगू के इलाज की व्यवस्था की गई है, सभी लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या हुआ है आपको? कितने दिन हो गए, कैसा इलाज चल रहा है इस समय जिला अस्पताल में? अभी तो ठीक हूँ मैं। फायदा है? हाँ फायदा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नहीं, मथुरा के हैं। मथुरा के कहाँ के हैं? मोहल्ला। कई दिन हो गए यहाँ पे भर्ती हुए? कल ही हुई। कल हुए, तो अभी तक जिस तरह से देख रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि इनका इलाज हो रहा है, उनको कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। जिस तरह से अभी तक जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ जिला अस्पताल में जो इलाज है, जो वार्ड बना गया है डेंगू का, उसको लेकर के काफी ठीक ठाक इलाज यहाँ पे इनका हो रहा है और इनको कुछ लाभ भी हो रहा है। लेकिन कोहू गाँव में जिस तरह से लोगों का जो आक्रोश है वो साफ देखने को मिलता है, वहाँ लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है उसका कुछ जो दवाई है या जो इलाज है उसका खास असर नहीं देखने को मिलता। देखिए लगातार यूपी के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर स्थिति बिगड़ रही है। एक तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, वहीं लगातार वायरल बुखार के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिससे हर किसी की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मेरठ में भी हालात अब खराब होने शुरू हो गए हैं। वायरल बुखार को लेकर मेरठ में स्थिति क्या है देखिए हमारे संवाददाता मनोवर चौहान की रिपोर्ट। मेरठ में अब बुखार ने अपना कहर बरपा रखा है। इस वक्त मेरठ मेडिकल कॉलेज में हमारी टीम मौजूद है, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां जो पर्ची बनवाने के लिए लाइन लगी है, खासतौर से महिला और पुरुष की यहां पर कतार लगाई गई है। कैमरे से गांव दिखाएं, बड़े स्तर पर ये कतार लगी हुई है। सुबह से पर्ची बनने का दौर शुरू होता है और शाम तक निरंतर इसी प्रकार चलता रहता है। बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो बुखार से प्रभावित मिल रहे हैं। हालांकि मेरठ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बड़े स्तर पर मरीज भर्ती हैं। मैं इन कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस दिक्कत को लेकर के यहाँ ये लोग पहुंचे हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुलभा। किस लिए आए हैं आप? दवा के लिए।
जी? दवाई के लिए। क्या दिक्कत आ रही है? बीमार है। और हो रहा है? किसको हो रहा है? आपको क्या दिक्कत है? हेपेटाइटिस सी है। दिक्कत हो रही है जी? कब से खड़े यहाँ पर? एक घंटा हो गया। नंबर नहीं आया अभी? नहीं। कितने लोग थे आपसे पहले? कुछ कम उम्र मेरे से आगे 30-35। अच्छा, इसी तरीके की जो समस्या है और जो लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, यही वजह है कि जो बुखार का प्रकोप है बढ़ रहा है और लोगों को इतनी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? वारदा। किस लिए आए यहाँ पर? दवाई लेने। क्या दिक्कत आ रही है? सिर में परेशानी रहती है। अच्छा, कोई कब से है दिक्कत? दिक्कत तो मेरे को तो ये रहे इतने सारे पर्चे हैं जब से दवाई खा रही हूँ। क्या नाम है आपका? आप किस लिए आए हैं? एलर्जी है। आप किस लिए आए हैं? लड़की के पैर में पस पड़ गई। आप किस लिए आए हैं? सिर में दर्द। अच्छा, कब से हो रहा है? मतलब मम्मी के सिर में दर्द है। आप दवाई लेनी है उनकी भाभी की, बच्चों की। अच्छा, तो सबसे पहले बता दूं कि जो कतार है वो काफ़ी लंबी है और सभी को समस्या है, चूँकि मानसून के जाने के बाद वायरल फीवर ने दस्तक दी है। डेंगू मलेरिया का तो खौफ है ही, उसके अलावा बुखार का भी बड़ा खौफ है। यहाँ पुरुष की लाइन है, पुरुषों की लाइन हालांकि कम हुई है। सबसे पहले जान लेता हूँ, किसे आए अंकल आप? हैं जी। किस लिए आए यहाँ पर? दवा के लिए। क्या परेशानी है? पैरों में फूल है। अंकल हो रही है? बुखार हुआ था? फूल है, फूल। आप किस लिए आए? सर मेरी वाइफ एडमिट है यहाँ पे। क्या हो गया? उनको टीवी और चेस्ट में इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी भी है जी, तो मैं डॉक्टरनी को दिखा के दवाई लेने के लिए आया हूँ। मैं खड़ा हूँ, मुझे अभी आए हुए 10 मिनट हो गए यहाँ पे। आप किस लिए आए? दवाई लेने आई। क्या हो गया? इन्फेक्शन है। किस बात का इन्फेक्शन? कैसे हो गया? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि भैया जब यहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं है तो लिख के क्यों दे रहे हैं डॉक्टर? दवाई कहाँ? दवाई तो होनी चाहिए। नहीं, ये दवाई यहाँ पे बाहर से लिख रहे हैं। क्या कारण है? ये कारण बताओ आप ही। किन्ने लिखी दवाई? कौन डॉक्टर? चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, हस्ताक्षर करे होंगे यहाँ पे। डॉक्टर सुमैया सिंगल। डॉक्टर सुमैया सिंगल है। अच्छा, क्या इन्होंने दवाई यहाँ पर लिखी है? हाँ, लिखी। मिली नहीं? नहीं मिली है। नहीं हो रही। उन्होंने कहाँ से लेकर आए? बाहर स्टोर से लाए। आप कहाँ से लगाए? मैं 13 नंबर में से डॉक्टरनी को दिखा के लाऊं, उन्होंने लिख दी, मगर ये नहीं पता इसमें कितनी यहाँ मिलेगी और कितनी बाहर मिलेगी। अच्छा, क्या कारण है जो यहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं है? गवर्नमेंट कहती है हम सब करा रहे हैं, हर चीज फ्री है, पैसा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? क्या कारण है? क्या की दवाई है? चरम रोग की दवाई है। जाँच के पैसे कौन ले रहा है? नहीं, खून के हर चीज के पैसे होते हैं जब हमारे ऊपर है। बाहर से लाइन लगा रहे, पर्चा अंदर लेके, जब मरीज को नहीं देखेंगे तो जाँच कैसे करेंगे? किस चीज की दवा लिख दी? किसकी लिख दी? मरीज भी देख रहे? नहीं देख रहे। एक मरीज पे लग रहे हैं 2-3 घंटे से, क्या उसका क्या कारण है यहाँ? हाँ, ये बताइए आप। देखिए, ये एक बड़ी समस्या देखने को मिली। हालांकि पहले ऐसे होता था कि दवाई बाहर से आती थी, लेकिन कोविड काल के बाद डॉक्टरों ने ओपीडी शुरू की और मरीजों को देखना शुरू किया, लेकिन यहाँ इनकी शिकायत है कि डॉक्टर मरीजों को ना देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे और दूर से ही दवाई लिख दे रहे हैं, और वो भी दवाई बाहर मिलती है। ऐसे में इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की जाएगी, आखिर ये वजह क्यों है और ऐसी क्या वजह है कि लोगों को बाहर से दवाई लानी पड़ रही है? क्या यहाँ पर दवाई है? नहीं है। आप किस लिए आए हैं? वैसे एलर्जी है। हमारी वाइफ को और 2 ही बच्चे हैं जी। क्या हुआ, कैसे एलर्जी होगी? ये दाद हो रहे हैं इनके, दाद हो रहे हैं। कहाँ से लाए दवाई? जी बस ये ट्यूब मिली है यहाँ से, बाकी सब बाहर से लिखी। बाहर से लानी पड़ेगी जी? हाँ। ये बाहर से दवाई लाने का जो शिकायतें हैं लगातार मिल रही हैं, हालांकि ये भी जान लेंगे ऐसी वजह क्या हो रही है कि सरकार से तमाम जो बड़ा बजट है वो उपलब्ध होता है और बाहर से लोगों को दवा लानी पड़ती है। वायरल फीवर के चलते मेरठ मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़ी तादाद में मरीज पहुंचे हुए हैं, मरीज भर्ती हैं, और इन मरीजों को किस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है ये भी जानने की हम कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि बाहर बड़ी तादाद में लोग पर्ची बनवा रहे हैं। प्रमुख अधीक्षक का कहना है कि व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं, तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। हालाँकि यहाँ पर जो मरीज हैं जान लेते हैं क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आपको? इन्फेक्शन हो गया था, वो बुखार के कारण इन्फेक्शन हो गया था। फिर ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है? ट्रीटमेंट तो हमने तो कराई नहीं है, हमारा नहीं करा, कल से हुआ ही नहीं है, कोई देखने नहीं आया, जा रहे हैं रेफर होकर। हाँ, और है कोई? नहीं आ रहा कोई? नहीं। और पुराने जो पेशेंट थे जो उनसे बुधवार, बहुत बड़ी तादाद में बुखार के पेशेंट हैं। हाँ, तो ये समस्या है, बुखार के पेशेंट बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं।
हालांकि प्रमुख अधीक्षक का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। जो मरीजों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या है, क्योंकि जगह जगह मरीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और यही वजह है कि जो व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जो डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए थी वो शायद अभी कम है, इसी वजह से थोड़ी बहुत अगर समस्या आ रही है, और यही है। बहरहाल अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ इंडिया, मेरठ। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी इस रहस्यमय बुखार से लोगों की जान जा रही है। कोई से चमकी बुखार बता रहा है तो कोई वायरल फीवर, और इस बुखार का शिकार ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं। बिहार के आरा में वायरल फीवर का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वहां पर बच्चों में तेज बुखार, खांसी और सांस फूलने की शिकायत आने लगी है। हर रोज करीब 10 से 15 बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और ऐसे में बिहार के सारण में तो वायरल बुखार से 3 बच्चों की जान भी जा चुकी है। अब तक 21 बच्चे इस वायरल बुखार की शिकायत के चलते भर्ती हो चुके हैं, और इतना ही नहीं मध्य प्रदेश में भी इस वायरल बुखार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसीलिए हालात अब जगह जगह पर खराब होते नजर आ रहे हैं, और लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसीलिए सावधान हो जाइए, लापरवाही नहीं बरतनी है, और अपना और अपने परिवार और बच्चों का खासकर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले समय में ये वायरल बुखार जो है कहीं कोरोना के मामले ना बढ़ा दे, इसीलिए सबसे ज्यादा जो है सख्ती और सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।